नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहली खबर आ रही है प्रयागराज से, जहाँ झाड़ फूक कराने आए पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है। पति पर पत्नी को तालाब में डुबोकर हत्या का आरोप। पुलिस ने मृतक महिला के शव को बाहर निकलवाया, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धुरपुर थाना क्षेत्र के करमा पहलू गांव का यह मामला है। तो झाड़फूक कराने के लिए दंपत्ति आए हुए थे, जहां पर दोनों के बीच विवाद हो जाता है और पुलिस ने मृतक के लिए के शव को बरामद कर लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पति पर पत्नी को तालाब में डुबाने का आरोप लगाया गया है, हत्या करने का आरोप लगा है। फिलहाल महिला की और खबर सहारनपुर से है, जहां चलती टाटा सफारी कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही थी ये कार। थाना बिहारीगढ़ इलाके के लोहे के पुल के पास की ये घटना है। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धू धू कर ये कार जल रही है। टाटा कार कुछ ही देर में ये जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को इसमें से बाहर निकाला गया। सहारनपुर से देहरादून की ओर जा रही थी ये कार और रास्ते में ही चलती कार आग का गोला बन गई। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कितना विकराल रूप ले चुकी है ये आग, और कुछ ही मिनटों में ये कार जलकर स्वाहा हो गई। सपा नेता आजम खान ने पत्रकारों पर निकाली अपनी भड़ास। आजम खान ने पत्रकारों को जानवर और बदतमीज कहकर कह डाला। पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए कवरेज से रोका गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल आजम खान दर्जनों गाड़ियों में अपने समर्थकों के लाभ लश्कर के साथ रामपुर के शहजाद नगर थाना इलाके के नपीनिया गांव पहुंचे थे, जहां 3 दिन पहले डूबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। आजम खान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिलाई और खान के काफिले के आने की सूचना स्थानीय पत्रकारों को मिली तो वो न्यूज कवरेज करने मौके पर पहुंच गए। लेकिन आजम खान को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें कवरेज से रोका गया। आजम खान की पत्रकारों से की गई अभद्रता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और रामपुर के पत्रकारों में आजम खान की हरकत को लेकर नाराजगी है। ये बंद कर लो यार, कुछ बात करने दो। बंद कर लो भैया, पापा हो गया तो बंद कर लो। अब तुम्हारा तो धंधा, ये हमारा धंधा नहीं है। बंद कर लो भैया थोड़ी देर। आप अपने धंधे में हमें क्यों मरवाओगे, अपनी बातें भी करेंगे हम। आप जाइए, आप जाइए, हो गया, बहुत शूट हो गया, जाइए, थोड़ा सा बात कर लेंगे। बंद कर लीजिए, खड़े मत करिए, बात ही नहीं कर सकते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।